सुप्रभात बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश। आज हम लोग बात करेंगे प्रारूपी पुस्तक की संरचना के बारे में, इसके भाग के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों के पास एक पुस्तक होना चाहिए जिसको देखकर आप उसकी संरचना का अध्ययन कर सकें। हम लोग संरचना का अध्ययन सिर्फ बोर्ड में नहीं करेंगे, पुस्तक को देखकर उसकी संरचना का हम अध्ययन करेंगे और उसके कार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो पुस्तक है, आपकी टेबल में है पुस्तक, उसको देखें, उसको रखें। मेरे पास भी है, गुलाब का रखे हैं हम, इसके अलावा गुड़हल का है। इन्हीं पुष्पों को देखकर हम लोग पुष्प की संरचना, उनके कार्यों का अध्ययन करेंगे। और आज के बाद आप लोग जब भी पुष्प को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि पुष्प का यह भाग क्या कहलाता है और अन्य जो भाग हैं वो क्या क्या कहलाते हैं। तो आवश्यक है कि आप इसको अच्छे से करें, जब भी प्रैक्टिकल करें आपके पास ये पुष्प होना चाहिए। गुड़हल का पुष्प सबसे सरल होता है, इसको देखकर इसमें जितनी भी संरचनाएं हैं वो आप देख सकेंगे, समझ सकेंगे। इसके पहले हम लोग जब भी पुष्प की संरचना की बात करते हैं तो सिर्फ बोर्ड में या तो देख लेते हैं या कॉपी किताब में देख के लिख लेते हैं, संरचना बना लेते हैं। लेकिन आज आपको पुष्प की जितनी संरचनाएं हैं वो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनका चित्र भी आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये पुष्प है। पुष्प में सबसे नीचे ये जो दिख रहा है ये लंबा वाला भाग, ये क्या कहलाता है? इसको हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं? डंठल कहते हैं। कहते हैं, तो कुछ ऐसे पुष्प भी होते हैं जिनमें डंठल होता है, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें डंठल नहीं होता है। ये गुड़हल है, इसमें दिख रहा है आपको डंठल है जी। तो जिनमें डंठल होता है इसे हम क्या कहते हैं? पुष्प ब्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प ब्रंथ या पेडिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसल या पुष्प ब्रंथ कहते हैं। ये पुष्प ब्रंथ होता है। जिन पौधों में यह पुष्प ब्रंथ पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम, और जिन पुष्पों में यह पुष्प ब्रंथ नहीं पाया जाता है उनको भी हम क्या कहेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसमें जो भाग है, पुष्प ब्रंथ हो गया, पुष्प ब्रंथ के बाद जो दूसरा भाग होता है वो क्या कहलाता है? देखिए, पुष्प ब्रंथ के बाद जो दूसरा भाग है ये यहीं पर जो होता है, बिल्कुल देखिएगा यहीं पर है, ये कहलाता है पुष्पासन। पुष्प का आसन का मतलब क्या हुआ कि पुष्प जहां रहता है, जहां बैठता है, पुष्प का आसन है। हिंदी में बहुत अच्छा नाम है, पुष्पासन कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम थैलेमस कहते हैं, रिसेप्टिकल भी कहते हैं। तो ये क्या हुआ? पुष्पासन। तो जो पुष्प के भाग हैं वो उसी भाग पर रहते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा? पुष्प ग्रंथ। दूसरा क्या हो जाएगा? पुष्पासन। तो पुष्पासन तक तो हो गया। अब इसके बाद जो पुष्प के मुख्य चार भाग होते हैं उनके बारे में चर्चा करना है। पुष्प के मुख्य कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं, बाह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जाया। इसी पुष्प में हम देखेंगे, ये गुलाब है, इसमें भी देखेंगे, देखिए इसमें भी ये पेटसेल है, डंठल है। कुछ पौधे होते हैं, कुछ पुष्प होते हैं जिनमें डंठल होता है, कुछ में नहीं होता है। चलिए आगे, अब दूसरी बात करें, जो मुख्य भाग है चार, उनमें से पहला भाग क्या कहलाता है? बाह दलपुंज। ये लीजिए गुलाब है, इसमें सबसे पीछे की तरफ देखेंगे पहला चक्र होता है बाह दलपुंज। पहला चक्र कौन सा होता है? बाह दलपुंज। ये जो हरे हरे रंग के दिख रहे हैं यही कहलाते हैं बाह दलपुंज। दिख रहा है आप लोग सब, देखिए ये गुलाब के फूल में ये जो हरे रंग का दिख रहा है यही क्या कहलाता है? बाह दलपुंज। ये और इसकी एक इकाई को हम सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स। एक इकाई, यानी ये देखो ये दिख रहा है, ये क्या है? बाह दलपुंज है। दूसरे में भी देख लेते हैं, चलिए ये
गुड़हल। गुड़हल में ये जो हरे रंग का दिख रहा है ये क्या कहलाता है? बाहदल पुंज। ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो मैं निकाल रहा हूं, ये क्या कहलाता है? बाहदल पुंज। आ गया समझ में? अब बाहदल पुंज, ये जो बाहदल पुंज होते हैं बेटा, ये संख्या में कई होते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। तो ये बाहदल पुंज है, हरे रंग का होता है, ये क्या है? बाहदल पुंज। और इसके एक इकाई को हम क्या कहते हैं? इसके एक इकाई को हम कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं एक इकाई को? मतलब ये जो पूरा है तो ये क्या कहलाएगा? कैलिक्स कहलाएगा। और जब हम इसके एक इकाई को लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? सेपल्स कहलाएगा। आ गया समझ में? क्या है? सेपल। अब देखिए, ये मैं निकाल रहा हूं इसको, ये क्या है? सेपल्स। ये कैलिक्स बाहरी चक्र है। अच्छा, इसका काम क्या है ये मैं निकालते जा रहा हूं, देखते जाइए। ये जो मेरे हाथ में आया, ये क्या है? सेपल्स हैं। इनका काम क्या है? इनका, हाँ, क्या है? पुष्प को इकट्ठा रखना, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना। कैसे सुरक्षा प्रदान करता है ये देखते हैं हम। ये है गुलाब की, गुलाब का बट, बट जानते हो? कली। अब इस कली को देखो आप, इस कली में बाहर की तरफ जो संरचना दिख रही है, जो अंदर वाले भाग को क्या कर रही है? सुरक्षा प्रदान कर रही है। वो क्या है? यही है कैलिक्स, मतलब सेपल्स। ठीक है, देखिए ये क्या है? अंदर जो है ये कोरोला वाला भाग है, और ये बाहर जो है ये क्या कर रहा है? इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जब ये सुरक्षा प्रदान करता है, ये देखिए, ये मैं निकाल रहा हूं, ये निकल आए। ये कौन सा भाग है? कैलिक्स का भाग है, हरे रंग का होता है। इसका काम है सुरक्षा प्रदान करना। कब? बड वाली स्थिति में, जब पुष्प कलिका अवस्था में होती है, तब इसका काम क्या है? यह है, इसे सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। अच्छा, अब कभी ये सोचा है क्या कि इसका होता क्या है बाद में? ये जो कैलिक्स है, जो सेपल्स है, इसका होता क्या है? जब फूल खिल जाता है तो ये सेपल्स क्या होते हैं? गिर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, जिनमें सेपल्स नहीं गिरते हैं, ये लगे रहते हैं। कहीं देखा है ऐसा उदाहरण कि ये सेपल्स जो होते हैं कहां पाए जाते हैं? इसका उदाहरण देखो, ये है, क्या है ये? टमाटर। अब टमाटर में आपने देखा होगा इस तरीके से, देखा है? तो ये जो दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये क्या कहलाते हैं? ये सेपल्स कहलाते हैं। यही कैलिक्स वाला हिस्सा ही है। कुछ पौधों में फ्रूट बनने के बाद भी ये गिरता नहीं है, ये उसी में लगा रहता है और उसको प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, और सुरक्षा देने के साथ साथ ये उसको होल्ड करके भी रखता है, पकड़ के भी रखता है। दूसरा उदाहरण देख लो, ये क्या है? बैगन। क्या है ये? बैगन। अब बैगन में देखो, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये देखो, ये जो ये पकड़ के रखा है इसको, ये क्या है? कैलिक्स वाला हिस्सा ही है, सेपल्स ही है। देख लीजिए ये, तो इसका काम ये भी है कि यदि कभी फ्रूट बन जाता है, बहुत सारे मिर्ची में भी देखे होंगे, कैप्सिकम में, उसमें भी लगा रहता है, तो ये क्या है? कैलिक्स है, सेपल्स है। और ये इसके साथ ये है, और देखो बैगन को कौन होल्ड करके रखा है? ये ही रखा है, ये देखो कैसे पकड़ के रखा, तो ये क्या है? सेपल्स है। ठीक है, तो पहला आ गया समझ में। पहला पॉइंट क्या था? बाहदल पुंज, कैलिक्स, सबसे बाहरी चक्र होता है, हरे रंग का होता है। इसका काम मुख्य होता है कि यह बर्ड्स को क्या करता है? बर्ड की स्थिति में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और बाद में यदि फ्रूट बन जाता है तो कुछ में ये बाद में भी फ्रूट को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, चले अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है दल पुंज या कोरोला। जितनी पंखुड़ियां आपको दिख रही हैं, ये दूसरा चक्र होता है पुष्प का, जितनी पंखुड़ियां दिख रही हैं, रंग
रंग युक्त होते हैं, मतलब कई कलर में पाए जाते हैं। ये इसको देखो, इसका दूसरा कलर है, इसका दूसरा कलर है, इसका दूसरा कलर है। तो ये कई कलर में जो रंग वाले दिख जाएं आपको, वो क्या है? दलपुंज है, कोरोला वाला हिस्सा है ये। और ये कई चक्र में होते हैं, कोरोला वाला जो हिस्सा है सेकेंड पार्ट, वो कई चक्रों में होता है। ये देखो इसमें कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, कई चक्र होते हैं इनके। इनका प्रमुख काम क्या है? इसका प्रमुख काम है कि ये बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, सुगंधित भी होता है। तो ये क्या करते हैं? परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं कि कीट आए, बैठें और उनके पैरों में या उनके और दूसरे भागों में क्या लग जाए? परागकण लग जाए। और परागकण लग जाएगा, फिर जब वो दूसरे पौधों के ऊपर, पुष्पों के ऊपर जाकर बैठेगा तो वो परागकण दूसरे पुष्पों में चला जाएगा और इस तरीके से वो निषेचन की प्रक्रिया होगी। और जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो उसके बाद ही फल का निर्माण होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये देखिए, अब इनको यदि मैं अलग करना शुरू करूं, इसमें हमने अलग कर दिया था, ये देखिए क्या अलग किया था इसमें, हम बाह्य दलपुंज अलग किए थे। अब हम इसमें से गुड़हल से किसको अलग करेंगे? दलपुंज को। तो ये देखिए अब इसको हम निकालते हैं, ये निकाला, एक निकाला, दूसरा देखिएगा, ये दूसरा भी निकाल दिए, ये तीसरा भी निकाल दिए। क्या निकालते जा रहे हैं? ये पेटल्स हैं। क्या है ये? पेटल्स, पेटल्स हैं ये, ध्यान रखिएगा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? सेपल्स, वो सेपल्स थे, ये पेटल्स। अब देखिए ये दिख गया आपको। अच्छा, इसमें कभी कभी ये छोटे कैलिक्स के नीचे कुछ और छोटे छोटे ब्रैक्स होते हैं, इनको हम एपिकैलिक्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? जैसे गुड़ाल में देख लो, ये नीचे दिख रहे हैं ना, ये एपिकैलिक्स कहलाते हैं। अब ये एपिकैलिक्स को भी हमने निकाल दिया, ये निकाला और ये निकाला। अब देखिए ये आ गया। अब इसमें हमको तीसरा चक्र पढ़ना है। ये दो जननांग होते हैं, उमंग और जायांग। उमंग जो है नर जननांग कहलाता है और जायांग जो है वो मादा जननांग कहलाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उमंग के बारे में, नर जननांग के बारे में। तो ये जो नर जननांग है, ये इसको ये ऊपर की तरफ देखेंगे, ये दिख रहा है, ये दिख रहे हैं नर जननांग का ये वाला हिस्सा है बेटा, ये हमने बताया है, ये है आपका नर जननांग, पुमंग कहलाता है ये। और पुमंग के कितने भाग होते हैं? मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, संरचना में हम तीन देखेंगे, बीच में योजी होता है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है? परागकोष। क्या कहलाता है? परागकोष। इसके अंदर परागकण होते हैं, ये कहलाता है योजी या कनेक्टिव कहलाता है। ये एंथर, ये कनेक्टिव, और ये जो लंबा स्टैक जैसा संरचना होता है इसको हम कहते हैं कुतंतु, कुतंतु या ये फिलामेंट है, ये कनेक्टिव है, ये एंथर। अब इन तीनों भागों को आप इसमें प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, निकाल लीजिए सब लोग आप। और एंथर ये निकाल के रखिए, ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ना बहुत सारे, इनमें से किसी एक को ऐसे पकड़िए और तोड़ लीजिए, किसी एक को पकड़िए और तोड़ लीजिए, आपके पास जो स्लाइड है या वाच ग्लास जो भी हो उसमें उसको रख लीजिए। ये लीजिए, ये देखिए, दूसरे में भी हम देख सकते हैं। यदि आपको एंथर दिखाना है पूरा तो ये हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर भी है, दूसरा फ्लावर भी है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये दो हैं, ये क्या है? ये
ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये, अब इसमें देखेंगे ये ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ये एंथर कहलाता है, ये एंथर है, बाइलोब्ड होता है, दो लोब होते हैं इसमें, कभी कभी एक भी होता है लेकिन प्रायः दो लोब इसमें पाए जाते हैं। और उसके नीचे जो धागे जैसी संरचना दिख रही स्टैक है ये कहलाता है फिलामेंट। ये यहां से लेके यहां तक की जो संरचना है ये क्या है, फिलामेंट है। और फिलामेंट और ऊपर वाला एंथर का हिस्सा जहां मिलते हैं, जहां जुड़ते हैं, वो कनेक्टिव कहलाता है, ये कनेक्टिव है। एंथर में ही पोलन ग्रेन अर्थात पराग कणों का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण कहां होता है, एंथर में। ऊपर का ये जो हिस्सा है ना पराग कोष जिसको कहते हैं, पराग कोष के अंदर ही पराग कणों का निर्माण होता है, यही मेल गैमेट कहलाता है। पराग कणों का निर्माण कहां होता है, पराग कोष में। ठीक है, तो इसके तीन भाग हो गए, तीनों भाग आपने देखा, देखिए सब लोग देखिए, आप लोग अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इसके एक भाग को क्या कहते हैं, बहुत सारे हैं ना, इसको कहते हैं स्टेमेन, क्या कहते हैं स्टेमेन, पुंकेसर, एक भाग को। बहुत सारे देखो इसमें सब लोग आपके पास जो भी है गुड़ाव का फूल है और जो फूल है उनमें देखो कितने सारे दिए हुए हैं, बहुत सारे। ये क्या है, ये है स्टेमेन कहते हैं इसे, पुंकेसर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके तीन भाग होते हैं जिसके बारे में मैं बताया हूं, तो एक भाग एक ले लीजिए इसमें से, कहीं से ले लीजिए, गुलाब में भी देखेंगे तो बीच में होता है ये है स्टेमेन। गुलाब में देखिए, ये देखिए गुलाब में बीच में दिख रहा है ना, ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब स्टेमेन है। ये देखिए ऊपर की तरफ जो थोड़ा सा फूला हुआ संरचना दिख रहा है ये क्या है, आपका पराग कोष या एंथर है, इसी के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। और फिर नीचे का जो धागे की जैसे स्टैक जैसे संरचना होती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पुतंतु, और जहां जुड़े रहते हैं वो योजी कहलाता है। ओके, अब आगे चले, जायांग, चौथा जो चक्र होता है वो जायांग कहलाता है। इसके एक भाग को पिस्टिल कहते हैं, क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं एक भाग को। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसके कितने पार्ट होते हैं, किसके, जायांग के, कैसे निकालेंगे जायांग, ये देखिए। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये जितने भी स्टेमेंस हैं सबको हम निकाले देते हैं, सबको निकाल के अलग किए दे रहे हैं। ये देखिए ये निकाले, आप लोग भी निकालिए, पूरे स्टेमेंस निकाल दीजिए, पुंकेसर जो है वो सब निकाल दीजिए उससे, अब इसमें से ये जो नीचे की संरचना है इसका भी डिसेक्शन करते जाइए, आप लोग देखते जाइए कि जैसा मैं कर रहा हूं, इसमें से ये वाले हिस्से को भी हमको बिल्कुल क्लियर करना है, फाइन डिसेक्शन करना है, ये लिए ये देखते जाइए। बच्चों करो आप भी, ये देखते जाओ, ये
ये देखिए ये निकल के आ गया। ये इसमें तीन पार्ट होते हैं, ये पिस्टिल वाला भाग है, इसको हम स्त्री केसर कहते हैं, और स्त्री केसर वाले भाग में इसको हम अलग करने, ये अलग किए हैं, ये देखिएगा, ये अलग हो गया। अब इसको भी अलग करें हम, ये देखिए ये अलग करते हैं, ये अलग किए, करके देखते जाइए। अभी इसका डिसेक्शन भी करना है और माइक्रोस्कोप में देखना है। ये निकल आया बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए, ये क्या है, मादा जननांग है, और मादा जननांग में तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर जो भाग होता है वो कहलाता है स्टिग्मा वर्तिकाग्र, दूसरा कहलाता है वर्तिका, तीसरा कहलाता है ओवरी या अंडाशय। देखिए यहाँ ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। दूसरा कहलाता है वर्तिका, और तीसरा है ये जो नीचे फूला हुआ भाग, इसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी ये हो गया स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा। अब इसके बारे में चर्चा कर लें, इसमें आपको दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट, ये देखिए सबसे ऊपर का जो भाग है ये देखिएगा, ये रेड कलर का दिख रहा है, ये कहलाता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा। सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? स्टिग्मा। दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये देखिए यहीं से जाता है, ये पोलन ग्रेन्स यहीं से, ये क्या है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा के बाद ये जो लंबा सा दिख रहा है ये क्या है? स्टाइल है या वर्तिका है, और ये नीचे जो फूला हुआ भाग दिख रहा है, ये फूला हुआ भाग दिख रहा है, ये ओवरी है, ये दिख रहा है ये फूला हुआ भाग। अब इसका हम डिसेक्शन करेंगे तो इसके अंदर हमको ओव्यूल्स दिखेंगे। ओवरी के अंदर क्या दिखेगा? ओव्यूल्स दिखेगा। ओव्यूल्स 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये क्या कहलाएगा? ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल्स होगा, और इसमें 5 होते हैं, क्योंकि गुड़हल है तो गुड़हल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये आप इसके अंदर जब इसका सेक्शन करेंगे, पहले तो आप तीन चीज देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला हिस्सा, सॉरी ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको ऐसे ले लेते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का काम क्या होता है? जब परागण होता है तो परागकण कहाँ आके रुकते हैं? वर्तिकाग्र पर ही आते हैं, यहीं पर, ये चिपचिपा होता है जिससे परागकण यहाँ चिपक जाते हैं, वो फिर क्या होते हैं? जर्मिने, मतलब उनमें पॉलन ट्यूब निकलती है, पॉलन ट्यूब निकल के यहां से ये यहां जो स्टाइल वाला हिस्सा इससे अंदर जाता है, और कहां पहुंच जाता है? ओवरी में, ओव्यूल्स के पास, और यहां जाके इनका निषेचन होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो तीन भाग, ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, और लास्ट का जो है वो क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है, ये ओवरी है। अब इसका सेक्शन काटेंगे तो आपको ओवरी के अंदर ओव्यूल्स दिख जाएंगे। ये देखिए ये दिखा, ये कट गया। अब इसमें आप स्पष्ट जब आप देखेंगे तो इसमें आपको ओव्यूल्स दिखाई देंगे, ये इसके अंदर ओव्यूल्स दिखाई देंगे।
हो सकता है अभी आपको क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन जब आप खुद करके देखेंगे इस वाले हिस्से में तो आपको यहाँ ओव्यूल्स दिखाई देंगे। ये फीमेल गेमेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनके अंदर एक्स सेल पाया जाता है और वही फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जायगोट बनता है, उसके बाद एक नए फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो चार भाग जो मुख्य रूप से थे उसके बारे में हम समझ लिए हैं। क्या क्या है वो? पहला पुष्पपरंत, दूसरा ये तो मुख्य भाग नहीं कहेंगे हम, ये जो चार भाग हैं ये है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज जो होता है सबसे बाहरी चक्र होता है, हरे रंग का होता है, और यह प्रोटेक्शन देता है किसको? कोरोला को और एंड्रोसियम गायनोसियम अंदर, कब? बड वाली कंडीशन में, बाद में भी वो कहीं कहीं रहता है। इसके बाद है दलपुंज, कोरोला रंगीन होता है और इसको हम पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण भाषा में पंखुड़ी कहते हैं। तो पंखुड़ी क्या है? कोरोला या दलपुंज कहलाता है। यह कीटों को आकर्षित करता है, जिसके लिए? परागण के लिए। फिर उमंग, उमंग के ये नर जननांग होता है, इसके तीन भाग हमने पढ़े, परागकोष, संयोजी, योजी और उतंत्र। ये तीन भाग है, यहाँ परागकणों का निर्माण होता है। उसके बाद जायांग, जायांग के तीन भाग देखे हमने, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इस तरीके से ये पुष्प की जो संरचना है वह पूर्ण हुई। पुष्प के बारे में अब आप क्या करेंगे, जब भी आपको समय मिलेगा तो यदि आपके पास माइक्रोस्कोप हो, अभी हमने जो सेक्शन काटा इसको हमको किस में देखना है? माइक्रोस्कोप में देखना। अभी हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको वो स्पष्ट रूप से जो ओव्यूल्स हैं वो दिखाई देंगे। तो आवश्यक है कि आप लोग, अच्छा मान लीजिए आप लोगों के पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो क्या करेंगे? मान लीजिए आपको घर में करना है तो कोई जरूरत नहीं है उसको, आप बहुत अच्छे, जितना फाइन सेक्शन काटिए इसमें बहुत क्लियर दिखता है। यदि आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत क्लियर दिखाई देगा, और एक एक चीज आप इससे देख के समझ लेंगे कि ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये ओवरी है, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये जितने भी भाग होते हैं सब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और जब कभी भी बैगन देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये कैलिक्स है। टमाटर देखेंगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, कैलिक्स है। ये कुछ में लगे रहते हैं।